हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम एक इंस्टेंट नाश्ता तैयार करने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होगा और सबको पसंद भी आएगा। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक उबला हुआ आलू। इसको मैं अभी मिक्सिंग बाउल में ही ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको स्मैश भी कर सकते हो। ये आलू मेरा ग्रेट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और दो तीन हरी मिर्च। इसके साथ ही इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, थोड़ा सा धनिया। अब हम इसमें मिलाते हैं मसाले। तो इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च। स्वादानुसार नमक और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ ये मटर। तो ये मटर को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया है और ये देखो ये टूट रहा है। थोड़ा सा उबाल के इसको पका दिया है। इसको एक बाउल इसमें डाल दिए है और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये स्वीट कॉर्न्स। ये मटर और स्वीट कॉर्न्स की टेस्ट इसमें अच्छी आती है। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके सिवा भी आप इसमें इसको बना सकते हो। और इसमें जो मैंने आमचूर पाउडर डाला हुआ है, अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो उसके जगह पे आप चाट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरे इंग्रेडिएंट को मैं अभी एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। इसको ऐसे ही चम्मच से मिक्स कर देना है। ये देखो ये पूरा मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल सूजी ली हुई है, तो यहाँ पे मैंने 3/4 बाउल सूजी इसमें डाल दी है और थोड़ी सी रहने दी है। अभी ये पूरे मिक्सचर को मैं मिक्स कर देती हूँ। अगर मुझे ऐसे लगता है कि इसमें सूजी और चाहिए तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो फिर इतनी सूजी में ये तैयार हो जाएगा नाश्ता। तो ये सूजी के साथ भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसका हमें एक बैटर तैयार करना है, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि कितना पानी हुआ है। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। और इसमें सूजी है तो सूजी पानी को सोख लेती है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा पतला ही भिगोएंगे। ये देखो ये परफेक्ट ऐसे बैटर अभी तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट में ये बैटर हमारा एकदम तैयार हो जाएगा। ये देखो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, बस ऐसे ही बैटर हमें चाहिए। अभी हमें इसे पकाना है, तो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक पैकेट इनो। इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और ये पूरे मिक्सर में इनो को मिक्स कर दूंगी। ऐसे ही पूरे मिक्सर में इनो को मिक्स कर देंगे तो जो नाश्ता हम बनाएंगे वो अच्छा फूला फूला बनेगा। देखो ये बैटर अभी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अभी इसे पकाने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है अप्पे मेकर। अप्पे मेकर में मैं पूरा तेल लगा लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे पूरे अप्पे मेकर में तेल लग गया है। अभी मैं ये बैटर एक एक चम्मच इसमें डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा कम डाले तो भी चल जाता है, क्योंकि ये अप्पे जब पकेंगे तो ये फूल जाएंगे। ऐसे ही पूरे इसमें मैं बैटर डाल के पूरा अप्पे पैन भर दूंगी। ये देखो यहाँ पे मेरे पूरे अप्पे डाल के हो चुके हैं। अभी मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और ये पूरा ऊपर से ड्राई हो चुका है।
अभी मैं पूरे अप्पे को पलटा देती हूँ ताकि वो अंदर से और दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो पूरे अप्पे को ऐसे ही पलटा देना है, बहुत ही इजीली ये पलटा के हो जाता है। ये देखो यहाँ पे मेरे पूरे अप्पे पलटा के हो चुके हैं। अभी मैं इसे बिना ढके ही 2 मिनट पकने देती हूँ। ये देखो 2 मिनट में अप्पे अच्छे से पक जाएंगे, दोनों तरफ से मस्त पक चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर भी आया हुआ है, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अभी मैं इसे निकाल लूंगी। तो ये बन गया हमारा गर्मा गर्म नाश्ता। बरसात के मौसम में अगर ऐसे गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो दिल एकदम खुश हो जाता है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखो अंदर से कितना मस्त पका हुआ है और टेस्टी भी बहुत लगता है। आप इसे चाहे किसी हरी चटनी के साथ खाओ या फिर टोमेटो सॉस के साथ खाओ, दोनों इससे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।